मैं बेटी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि दूसरे को बलगलाने में आ गए? भाई जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप घर में रह रहे थे, तो आपको उठा के केवल प्रमोट करना कि विनय शाह की राजनीति खत्म करनी है, बेटी को लड़ा के खत्म करनी है और चाचा को टिकट ना मिले इससे करनी है। मैंने बहुत प्रयास किया, जो भी प्रयास एक पिता के नाते चाचा का हो सकता है वो मैंने सारे प्रयास किए और कहीं ना कहीं वो बरगलाने में बहुत बुरी तरह बरगलाई गई थी और तमाम तरह की बातें कह के उनको बरगलाया गया। देखिए बेटी हमारे परिवार की थी और राजनीति हम लोग कर रहे थे, बेटी की कई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो है। तो मैं बेटी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि दूसरे को बलगलाने में आ गए? भाई जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप घर में रह रहे थे, तो आपको उठा के केवल प्रमोट करना कि विनय शाह की राजनीति खत्म करनी है, बेटी को लड़ा के खत्म करनी है और चाचा को टिकट ना मिले इससे करनी है। लेकिन निश्चित तौर पर मान लीजिए ऐसे लोग जो लोग ऐसा घिनौना कृत्य करते हैं, भगवान ना करे जिनके परिवार नहीं होते वो परिवार तोड़ने का काम करते हैं, और अगर जिनके परिवार हैं और ऐसे ही काम कर रहे हैं तो आने वाला समय और समाज उनको निश्चित तौर पे 10 तारीख के बाद बता देगा कि क्या सही है क्या गलत। यहाँ जो गीता का कहना है कि मतलब सात समुदाय जो है उनके साथ में, वो तो 10 तारीख को भूत बता दे। आपने बेटी को समझाने का प्रयास किया था? मैंने बहुत प्रयास किया, जो भी प्रयास एक पिता के नाते चाचा का हो सकता है वो मैंने सारे प्रयास किए और कहीं ना कहीं वो बरगलाने में बहुत बुरी तरह बरगलाई गई थी और तमाम तरह की बातें कह के उनको बरगलाया। अच्छा, इस समय समाजवादी पार्टी में भी एक जो है फूट आई हुई है सामने, जहाँ जो दिनेश वर्मा जो अपनी भाभी के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वही भाभी का आरोप है कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इसकी वजह से वो अलग है। देखिए मैंने फिर कहा भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही रहता है, फूट करो और आज परिवारों में फूटम करवाते हैं। जैसा कि आपने देखा दिनेश वर्मा तो शांत बैठे थे, एक दिन पहले इलेक्शन प्रचार बंद होने के एक दिन पहले दिनेश वर्मा का आने का मोटिवेशन क्या रहा? चाहे वो किसी भी परिस्थितियों में आए हों, चाहे धन बल से आए हों, वो उनका विषय है, लेकिन दिनेश वर्मा एक फ्यूज बल्ब की तरह है। तो दिनेश वर्मा इतना कोई अपनी छाप नहीं छोड़ पाएंगे? दिनेश वर्मा कोई भी छाप नहीं छोड़ पाएंगे। समाजवादी पार्टी की क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कितना उनका फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि लंबे समय से मैं क्षेत्र में हूँ, उनके सारे लोग जानता हूँ, उनके लोग पहले ही समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने लगे थे, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं। तो अब क्या लगता है आपको, आज दिनेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके लोग समाजवादी पार्टी में आप बता रहे हैं वोट मांगते हैं, तो दिनेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी में अपनी छाप जो है किस तरीके से छोड़ पाएंगे, या समाजवादी पार्टी में उनके लिए कुछ अभी जगह है? दिनेश वर्मा जी का जो निर्णय रहा मुझे नहीं लगता ये राजनीतिक निर्णय ठीक है, लेकिन उनका जैसा भी परिस्थितियाँ नहीं हो, लेकिन राजनीतिक स्तर से उनका निर्णय मुझे ठीक नहीं लगा। अखिलेश जी के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं, बहुत ही बचपन के दोस्त बताए जाते हैं। देखिए जो करीबी होता है कहीं ना कहीं उनको पार्टी समझती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव के ठीक 3 दिन पहले पार्टी छोड़ दी है, कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा राजनीतिक भी और सामाजिक। माता जी यहाँ बनी हुई रिया सर की दादी हैं, दादी से बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पापा को छोड़ा हुआ है, क्या है पिता और बेटी के एक संबंध होते हैं, बताया जाता है बेटी का दिल बहुत पसीता है। चौथी चल रही है, 5 जनवरी से बिल्कुल कोई कुछ नहीं करता। फिर सेवा किसने की है? हम करते हैं सेवा। आप दादी हैं, बेटी की सेवा करती हैं, और जो सेवा करते हैं क्या करें? बेटी और बेटा और बहू जी कुछ नहीं करते, कोई नहीं आता है।